नमस्ते, मैं हूं देव, आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर। आज हम बात करने वाले हैं कश्मीर के फ्री प्लगइन किक प्लगइन के बारे में। अगर हम गूगल पे जाते हैं और वहां सर्च करते हैं कश्मीर किक प्लगइन, तो हमारे पास आता है ये लिंक जो कि dharmaworldwide.com का है, राइट। इस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास खुलती है ये वेबसाइट जिसके अंदर लिखा है कश्मीर इसेंशियल्स, जो VST है। बहुत सारे अलग अलग VST का वो इकट्ठा पैक है जो $40 का है। शायद अभी लिखा है प्रो मेंबर्स के लिए 32, जिन्होंने मेंबरशिप ले रखी हो। जिन्होंने नहीं ली है वो $40 का, यानी कि 7,428 तकरीबन 3,000 रुपये का हुआ। तो $40 के अंदर हमें अलग अलग इसके अंदर VST मिलते हैं, जो बेस के लिए है, ड्रम्स के लिए है, किक के लिए है, सिंथ्स के लिए और वोकल के लिए है। और हमें कैसे पता लगे कि ये काम करते हैं, अच्छा करते हैं या ख़राब करते हैं, जब भी करते हैं, तो उसके लिए एक इन्होंने फ्री दे रखा है कश्मीर इसेंशियल्स किक डाउनलोड फॉर फ्री। मैं इसके ऊपर करता हूँ क्लिक, और जैसे मैं क्लिक करता हूँ ये देखिए dharmaworldwide.com उसी वेबसाइट के लिंक पर ये खुल जाता है। यहाँ से गेट एकदम फ्री। सो ये VST फ्री है, जिनके पास नहीं है वो डाउनलोड करके देख सकते हैं। इंस्टॉलेशन बहुत ही ईजी है और मैक और विंडोज़ दोनों के ऊपर चलता है। 32 बिट या 64 बिट आपका जो भी सिस्टम है सबके साथ वो सपोर्ट करता है। तो आइए जल्दी से चलते हैं सॉफ्टवेयर की ओर और देखते हैं कि ये क्या करता है। कश्मीर इसेंशियल किक आपके मिक्सर चैनल के ऊपर होगा, तो मैंने वहाँ पर ऑलरेडी ले रखा है। और यहाँ से मैं एक बेसिक कोई भी किक ले लेता हूँ जो इंटरनल हमारे पास है। चलिए मैं ये ले लेता हूँ। मैंने मास्टर के ऊपर यहाँ पर एक रखा हुआ है, फ़िलहाल मैंने इसको नहीं छेड़ा, मैं इसे ऑफ ही कर देता हूँ, राइट। और हम यहाँ पर एक बेसिक साइन शेप की किक ले लेते हैं, एक लूप कर लेते हैं। मेट्रोनोम करते हैं ऑफ, ओके। ऑन करता हूं, तो आप देख रहे हैं ऑन या ऑफ, अभी साउंड में कोई वेरिएशन नहीं है, एग्जैक्टली सेम है, राइट। तो चलिए हम एक एक चीज करके देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास दी गई है। जो सबसे पहली हमारे पास ऑप्शन है वो सब है ऑलरेडी, यानी हमें मालूम है कि वो बेस को बढ़ाएगा, लेकिन जो उसकी टेल बढ़ाएगा, जो हमारा यहाँ पर किक है उसके आगे वो टेल देगा, एक सब टेल देगा, लो फ्रीक्वेंसी की टेल देगा, कौन से सुर की होगी वो भी यहाँ पर हम डिसाइड कर सकते हैं, C#D, D#E, राइट। तो चलिए थोड़ा बड़ा कर हम देखते हैं क्या जचता है। राइट, तो F# की टोन मुझे सही लग रही है और ये भी एकदम इसके साथ मैच कर रही है। अगर आप देखें हल्की सी उसके अंदर थोड़ी सभी फील, जो लोग भी मोबाइल के अंदर देख रहे हैं, नहीं आपको ईयरफोन्स या स्पीकर्स के अंदर देखना होगा तभी आप ये किक को समझ पाएंगे, क्योंकि किक का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो मिड और लो साइड ही होता है, राइट। सब यानी लो फ्रिक्वेंसी, मिड यानी मिड फ्रिक्वेंसी, एयर यानी हाई फ्रिक्वेंसी। हम मिड की तरफ आते हैं और थोड़ी मिड टोन को एडजस्ट करके देखते हैं। ओके, और इसकी जो हाईज हैं अगर आप देखें इसके थोड़ी सी वो जो उसके अंदर एयर है, हम थोड़ा और हाई बढ़ाएंगे और देखते हैं कि किस तरह से वो वाइब आती है। कभी कभी इस तरह की बिल्कुल सिंपल जो साइन किक्स होती हैं, जब उसमें एयर ऐड करते हैं थोड़ी अकूस्टिक फॉर्म की तरह वो काम करती है, थोड़ी अकूस्टिक वाइब देना शुरू कर देती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक किक्स तो ठीक है ऑलरेडी हमारे पास होती हैं, बहुत पंची होती हैं, लेकिन कभी कभी हमें रोमांटिक सॉन्ग या कोई सैड सॉन्ग, इस तरह की गानों के अंदर हमें अकूस्टिक वाइब वाली किक चाहिए होती है, तो वहाँ पर एयर बहुत अच्छा काम कर सकती है। आप देख रहे हैं तकरीबन यहाँ आके उसकी जो हाइज है, जो हिस्सा स्क्वायर्ड होनी शुरू हो गई है, थोड़ी सी ज़्यादा है, मैं कम करूँगा। नाइस, बहुत बढ़िया। इसके बाद आता है हमारा ट्रांजिएंट प्रोसेसर। ट्रांजिएंट आपने बहुत बार ऑलरेडी भी सुना है, मैंने आपको बताया भी है। ट्रांजिएंट क्या है, किसी भी सैंपल का जो स्टार्टिंग हिस्सा, जो क्लिक है, जो शुरू की ब्लिप है, जो ये चीज़ है, उसके बाद की किक की उसके लो है और सारी इन्फॉर्मेशन है उसकी, हार्मोनिक इन्फॉर्मेशन, लेकिन जो शुरू का जो स्टार्ट है, जो टक है, उसे हम बोलते हैं ट्रांजिएंट। तो ये ट्रांजिएंट प्रोसेसर है, ये क्या करेगा, मैं इसे बढ़ाता जाऊंगा। तो काइंड ऑफ जो कंप्रेसर का जो अटैक होता है, आपने देखा है जैसे जैसे हम अटैक बढ़ाते जाते हैं तो ट्रांजिएंट और टाइट होता जाता है। ये सिर्फ शुरू की क्लिक ऐड करता जाएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। राइट, बहुत अच्छा पंच, आपने देखा किस तरह से वो टक टक बढ़ती जा रही है। मैं थोड़ा और बढ़ाऊंगा तो ओवर हो सकता है, देखते हैं एक बार करके।
देखिए कितनी पंची हो गई है, लेकिन ओवर हो गई है, थोड़ा सा हम कम करेंगे। हाँ दैट्स इनफ। अभी आप देख रहे होंगे कि आपको ये लग रहा होगा कि किक के अंदर कुछ ज़्यादा वेरिएशन नहीं आई है। जब हम बिल्कुल एंड तक आ जाएंगे उसके बाद हम ओवरऑल जो कश्मीर इसेंशियल्स किक VST है ऑफ करके और ऑन करके देखेंगे, फिर देखेंगे कि क्या फ़र्क आ गया मेरे किक के अंदर। अब यहाँ पर अगली ऑप्शन है टेप, टेप यानी सैचुरेशन, सैचुरेशन यानी हारमोनिक्स। तो हम यहाँ पर थोड़े से हारमोनिक्स ऐड करेंगे, थोड़ी सी सैचुरेशन ऐड करेंगे, ओवर नहीं, डिस्टॉर्ट नहीं करेंगे, बहुत सटल। क्योंकि चाहे वोकल्स की बात हो, चाहे स्नेर की बात हो, चाहे ओवरऑल मास्टरिंग की बात हो, कभी भी अगर आपने हारमोनिक्स ऐड करने, आपने कोई सैचुरेशन वाला प्लगइन है, कोई वॉर्म्थ ऐड करने वाला है, कोई टेप एम्यूलेशन है, तो बहुत ही सटल 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 ही यूज़ करनी चाहिए। ये नहीं कि घुमा के पूरा ही नॉब घुमा दी और आपने कहा ठीक है कुछ हो नहीं रहा है या ओवर हो गया है, राइट? बहुत सटल। यहाँ आया इसका स्वीट स्पॉट तकरीबन 30-31 के पास, जहां से वो मुझे थोड़ा सा लगे कि हाँ आराम अपना हारमोनिक्स ऐड होने शुरू हुए हैं। आ हा हा, बहुत बढ़िया। मैंने थोड़ा से हारमोनिक्स और बढ़ाया, सेचुरेट किया, फिर मुझे लगा कि मेरी हाइज और मिड थोड़ी ज़्यादा हो गई, तो हल्की सी मैंने उन्हें भी साथ सेट किया। अब मेरी जो अगली नॉब है वो है प्रेशर। तो आप पूछेंगे कि प्रेशर क्या चीज़ है, इसे आप कह सकते हैं मल्टी बैंड कंप्रेशन। ये मल्टी बैंड कंप्रेशन है और जो मेरे साथ वाली नॉब है वो है मेरी कंप्रेशन, वन नॉब कंप्रेशन, थोड़ा टेम करने के लिए, ओवरऑल जो उसकी डायनामिक रेंज है। तो इन दोनों को अगर मैं साथ साथ ही चलाता जाऊँ या अकेला अकेला भी चलाता जाऊँ, अपने कानों के हिसाब से कि आप क्या टेस्ट चाहेंगे, मल्टी बैंड कंप्रेशन और कंप्रेशन वन नॉब सिंपल कंप्रेसर। आप देख रहे हैं कितनी भर की कितनी डेप्थ आ गई है, क्योंकि ऑलरेडी सैचुरेट हमने कर दिया था, ट्रांजिएंट उसका एकदम टाइट था, थोड़ा ट्रांजिएंट और। आहा, बस 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 बस। बहुत बढ़िया। तो ये 7 नॉब्स जो अभी तक हमने छेड़े, पहले इसको देखेंगे, उसके बाद मैं आपको विड्थ की बात करूंगा कि वो क्या होने वाली है। क्यों? क्योंकि अकेली अगर मैं उसे छेड़ूंगा तो आप देख रहे हैं कुछ खास डिफरेंस हमें नहीं पता लग रहा। वो क्यों नहीं पता लग रहा वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ये जो विड्थ नॉब है ये क्या करता है, कंट्रोल करता है स्टीरियो इमेज ऑफ द किक ड्रम, राइट? अगर सिंगल साइन वेव किक है तो उतना आइडिया नहीं आएगा, 2 साइन वेव्स हम लेंगे और उसे डी ट्यून कर देंगे और थोड़ा सा पैन कर देंगे, तब आपको इसका बेटर आइडिया आएगा, जो भी मैं थोड़ी देर में करने वाला हूँ। फिलहाल जहाँ ये था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कहाँ था, यहाँ था, यहीं था शायद, चलिए जहाँ भी था। तो फिलहाल हमने जो 7 नॉब्स छेड़ी हैं उससे क्या असर हुआ है, मैं यहाँ आता हूँ और सबसे पहले मैं इसे करता हूँ ऑफ। ये थी मेरी पहले जो पहले किक थी, और अब क्या है, आप देख रहे हैं ह्यूज डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस। हेडफोन्स या अच्छे स्पीकर्स में सुनिए, मोबाइल के स्पीकर में आपको नहीं पता लगेगा। अगेन मैं इसे बंद करता हूं, रॉ किक जो बाय डिफॉल्ट थी मेरे पास, साइन वेव की किक थी एक बेसिक, क्या साउंड थी, बहुत ठंडी, बहुत फ्लैट। ऑन किया, लोस एकदम अच्छे, एकदम भरी हुई, कंप्रेशन बहुत ही सही, बहुत ही टाइट, और जो उसका ट्रांजिएंट है वो भी बहुत टाइट। तो आप देख रहे हैं कितना पावरफुल टूल है। अब हम बात करते हैं जो लास्ट मेरी नॉब है, विड्थ नॉब। मैं क्या करता हूं, ये लिया, इसको थोड़ा डबल क्लिक करके मैं थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर देता हूं इसका, और इसी का एक और मैंने यहां पे कॉपी ली और मेक यूनिक कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं थोड़ा सा इधर ले जाता हूं और इसको थोड़ा सा इधर ले जाता हूं। यहां पैनिंग जरूर लिखा है, इसके ऊपर मैं एक दिन बात करूंगा। ये टेक्निकली एग्जैक्टली स्टीरियो पैनिंग नहीं होता, ये बैलेंस लेफ्ट राइट होता है। जो स्टीरियो पैनिंग होता है वो हमारा
यहां होता है। चलिए वो टॉपिक फिलहाल इसमें नहीं, लेफ्ट राइट मैंने कर दिया और मैं इसको थोड़ा सा डीट्यून करूंगा, यानी इसका सुर मैंने हल्के से चेंज कर दिए, ऊपर वाली किक और नीचे वाली किक। अब देखते हैं कि मेरा जो विड्थ नॉब है वो क्या करती है। हेडफोन्स लगा लीजिए, स्पीकर अगर आप स्पीकर में सुन रहे हैं तो बिल्कुल दो स्पीकर के एकदम सेंटर में बैठ के देखिएगा, बट मैं आप सबको रेकमेंड करूंगा कि अब जो मैं करने वाला हूं हेडफोन्स में देखिएगा, बहुत अच्छा समझ आएगा। विड्थ एकदम जीरो, मोनो राइट, इसे हटाते हैं। दोनों डी ट्यून और दोनों पैन राइट। आप देख रहे हैं विड्थ किस तरह से बढ़ती आ रही है, उसकी स्टीरियो इमेज को किस तरह से वो कंट्रोल कर रहा है। मैं ज़्यादा अगर करूँगा इसको, मैं थोड़ा सा वॉल्यूम और डाउन कर देता हूँ क्योंकि वो क्लिप कर रहा है। दूसरी बात, जब ये वीडियो रेंडर होगी तो मुझे मालूम नहीं वो वीडियो स्टीरियो में होने वाली है या मोनो में होने वाली है, क्योंकि वो FL Studio को डायरेक्ट नहीं होगा, वो तो वीडियो की ऑडियो आप सुनेंगे। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि ये जो चीज़ है खुद करके देखिएगा, बट ये ना ही करें तो ही अच्छा है, क्योंकि एक अच्छी किक, मैंने बहुत अच्छी किक ऑलरेडी डिज़ाइन कर ली, उन बाकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नॉब्स के साथ विड्थ में ना छेड़ूं। क्यों? क्योंकि लो फ्रिक्वेंसी है, मैं उसको मोनो ही रखूं मेरी किक को तो बहुत अच्छा रहेगा, या फिर किक के अंदर जो उसका फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम है ओवरऑल 100, 110, 120 हर्ट्ज तक वो मैं रखूं मोनो, बाकी अगर मैं चाहूं तो स्टीरियो या फिर एज इट इज़ मैं उसे छोड़ सकता हूं। एक बार फिर देखते हैं, फाइनली थोड़ा सा हम और डिट्यून करके देखते हैं राइट। आइए देखें, आप देख रहे हैं साउंड ही चेंज हो जाती है राइट। तो ये अलग बात है कि किक के ऊपर मैं विड्थ वगैरह ज्यादा छेड़ने से मना करता हूं। अगर आप करना चाहें तो ऑब्वियसली आपको फेज इशू वगैरह ये सब का ध्यान रखना पड़ेगा। अब आप कहेंगे फेज क्या है, जो मेरा कल रात का लेक्चर है फेज, वो भी देख लीजिएगा राइट। सो बहुत अच्छा VST है, आपने देखा है ऑन ऑफ करते ही कितना उसकी हार्मोनिक वैल्यू, उसकी डायनामिक रेंज, ओवरऑल जो पंप है, जो ओवरऑल प्रेशर है कितना बढ़ गया और कितना मैं कंट्रोल है एक किक के अंदर, एक सिंपल साइन किक, एक बेसिक सैंपल के अंदर ही मेरे पास कितनी सारी वेरिएशंस करने को मिल जाती हैं। और मेनली ये है एक फ्री VST कश्मीर इसेंशियल्स किक, जो कश्मीर की ओरिजिनल वेबसाइट धर्मा वर्ल्ड वाइड पे आप जाएंगे और वहां से आप अपना ID बना के वहां से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। ये मेरा YouTube है, youtube.com/devnextlevel, इसे जाइए जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे लेक्चर्स आ रहे हैं, बहुत सारे गाने आ रहे हैं, कल रात को भी डाला है व्हाट इज फेज, जिनको भी फेज कैंसिलेशन, इन फेज, आउट ऑफ फेज, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज क्या चीज है, वो आपकी लाइफ टाइम के लिए प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। facebook.com/devnextlevel, इस पेज को जरूर लाइक कीजिए। अरे वाह, ये दिखा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में 24,000 लोग यहाँ पहुँचे, बहुत ही अच्छा, आप सबका प्यार बहुत ज़्यादा आ रहा है। instagram.com/devnextlevel, मेरे सारे अपडेट्स यहीं पर आते हैं, मेरी सारी स्टोरीज वगैरह मैं यहीं शेयर करता रहता हूँ मेरे। और भी कल मैं 2 बजे आने वाला हूँ मिक्स विद वासुदेव के साथ लाइव ऑन इंस्टाग्राम, तो वो भी मिस मत कीजिएगा। और soundcloud.com/devnextlevel, यहाँ पर आप मेरी सारी साउंड सुन सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए देव नेक्स्ट लेवल साइनिंग आउट, नमस्ते।